अब यहाँ पे देखो MIUI वर्जन यहाँ पे फ्लैश हो गया, एक बार इनके लिए क्लैप्स। मेरा ये फोन MMC चेंज हो गया है ना। अब अच्छा, आपका नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं लोकल हैदराबाद का। अच्छा, तुम क्या लोकल से हो? हाँ, लोकल से। अच्छा ठीक है, लोकल से। अच्छा, हमारी जो क्लास चल रही है अभी, कौन सी क्लास चल रही है हमारी? MMC चेंजिंग की चल रही है। MMC चेंजिंग वाली क्लासेस है। सुबह से आपको बताया कि MMC चेंजिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे करना है, आपने देख लिया। तो आप अभी कौन सा MMC चेंज कर रहे हो बताओ? MI MAX 2 कर रहे हैं। अच्छा, फोन बताओ पहले, कौन सा फोन है अपना? MI MAX 2 का। अच्छा, ये बड़ा वाला फोन है आपका जो MI MAX 2, इसके अंदर क्या हुआ, इसका प्रॉब्लम क्या था? इसमें जो है EMMC नहीं थी और हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर अगर ऐसी बोर्ड आ गई हमारे पास इसमें EMMC लगा हुआ नहीं है। अच्छा, इसके अंदर अभी EMMC नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे MMC नहीं है, इसका मतलब ये MMC डेड हो गया, किसी ने निकाल दिया। ठीक है, अब ये हमें पता है कि इसका MMC हम कैसे इसका फाइंड करके लगा सकते हैं। तो ये विदाउट MMC पोर्ट वगैरह बना रहा है क्या? हाँ, ये पोर्ट बना रहा है। पोर्ट बना रहा मतलब हमारा बोर्ड ओके है, अभी हमारा सिर्फ MMC डाल के चालू करना है। तो आप क्या क्या प्रोसेस कर रहे हैं जरा बताओ, इधर बोलो, आप क्या कर रहे हो सबसे पहले प्रोसेस में? सबसे पहले अपन क्या करना, इसका जो है कंपेटेबल चेक करने के लिए। तो टूल ओपन करने की तो जरूरत नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं क्या लिया आपने, वो तो आपको पता है क्या लेना है हमें। ठीक है, आपने कंपेटेबल ले लिया, कंपेटेबल, ओके, वेरी गुड। फिर इसके बाद जो है इसकी BGA यहाँ पर इंसर्ट कर लेना। अच्छा, आप वो इसमें लगा दिए? हाँ जी। चलो ओके, वेरी गुड। अभी इसके बाद क्या करना बताओ? इसके बाद जो है UFI बॉक्स पर जाएंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, इसको पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। अच्छा, करो आइडेंटिफाई करो। उसके बाद इसका जो है पूरा इन्फो आ जाएगा इधर। हाँ, इसमें यहाँ पर चेक कर लेंगे कि ऑथेंटिकेशन जो है इसका। ऑथेंटिकेशन की इज नॉट इट प्रोग्राम, सभी को पता है ये क्या बोल के। अगर यहाँ पे ये की अगर होगा तो हम इसमें क्या काम नहीं कर सकते, RPM मतलब इसका चेंजिंग प्रोसेस नहीं कर सकते। हाँ, तो ये की करना बहुत जरूरी है हमें। हाँ, जरूरी है। हाँ, अगर ये तो नहीं करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। इसको बाईपास करने के बाद ही आप जो है चेंजिंग का प्रोसेस कर सकते। हाँ, तो ये सबसे पहले आपका स्टेप वन है कि जो आपको RPM भी क्लीन करना है। चलो, अब इसके बाद आप क्या कर रहे हो इसके अंदर? इसमें देख सकते हैं आप, फर्मवेयर वर्जन भी नहीं है इसके अंदर, कोई सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल नहीं है। तो अब इसमें कौन सा फाइल डाल के आप चालू करने वाले हो? अभी हम इसमें जो है एक इंजीनियरिंग रोम डाल रहे हैं। तो अच्छा, पहला फर्स्ट स्टेप आपका जो फाइल डालना है इंजीनियरिंग रोम से आप उसको फ्लैश करेंगे। तो अब बताओ कहाँ से कैसे फ्लैशिंग करना आपको? इमेज में आ जाएंगे हम। चलो, वेरी गुड, फ्लैश करने के लिए। हाँ हाँ, चलो यहाँ पर आकर जो है और हमारा जो मॉडल प्लेटफॉर्म जो रहता है हमारा MediaTek का IC है या Qualcomm का है। अभी ये हैंडसेट में जो है Qualcomm का लगा हुआ है। Qualcomm का लगा हुआ है, सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। चलो ठीक है, वेरी गुड। सेलेक्ट करने के बाद अब हम जो है इसके अंदर फाइल देंगे। इसके अंदर फाइल देने के लिए हमारी फाइल जहाँ है पहले हम वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, आपकी फाइल अभी कहाँ रखी है? डेस्कटॉप पर रखी हुई। डेस्कटॉप पर रखी हुई। अच्छा, हाँ, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हमारी फाइल डेस्कटॉप पे, इसका एक इंजीनियरिंग रूम यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये फाइल हमें कहाँ डालना है? ये फाइल को हमारे को जो है UFI बॉक्स के जो है फ्लैशर टूल में डालने का। वेरी गुड, चलो ठीक है, आप डालो, सारा प्रोसेस करके बताओ क्या क्या कर। फाइल पूरा खोल लिए फोल्डर, अभी इसको हम जो है टूल पर आ जाते हैं और फिर इस फोल्डर को यहाँ पर साइड में ला लेते हैं। ओके ओके, अभी इसमें जो है हमको फाइल देखना है जो इसके अंदर आती है वो रॉ। तो Qualcomm की फाइल जो आपको पता है कि कौन सी हमें इसमें फाइल डालनी है, कौन सा इसका नाम आता है? जी, ये रॉ प्रोग्राम फाइल, रॉ प्रोग्राम डालेंगे आप। वेरी गुड, चलो अगर कर देंगे फिर जो है इसकी पैच 0 फाइल को जो है लेकर उस पर ड्रॉप कर देंगे। अच्छा ओके, वेरी गुड, ये आ गए। उसके बाद फाइल आ गई हमारे, उसके बाद हम इसको जो है राइट प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है IC पे जो है फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया है। अभी जो सॉफ्टवेयर वर्जन नहीं था वो ये होने अच्छा, के बाद डिटेक्ट, अभी यहाँ हमारा फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताए। और ये इजी लगा या हार्ड लगा आपको? बहुत सारा इजी, बहुत इजी। MMC चेंजिंग करना, डेड बोर्ड रिपेयर करना या आपका 90% हेल्थ रिपेयर करना, जो भी आपका MMC से फॉल्ट है, आई स्कैन MMC के अंदर आई स्कैन करना, IC कैसे हमें फॉल्टी समझ में आएगा कैसे, ओके, ये सारा कुछ आप समझ गए कि नहीं समझ गए? बाकी लोग भी बताओ। आप यहाँ पे 7 डेज आपका हो गया है, इसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है, सॉफ्टवेयर में कैसे प्रॉब्लम आता है फोन के अंदर, ठीक है, किस तरह हम USB से हम प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं, ये भी आपको सीखा हुआ है। उसके बाद MMC स्टेप बाय स्टेप आपने सारे कुछ चीजें देख ली है। ठीक है, 90% रिपेयर हो गया, डेड बूट रिपेयर हो गया, हेल्थ रिपेयर हम कैसे चेक करते हैं। अभी हमारा जो क्लास चल रहा है कौन सा चल रहा है?
एमएमसी चेंजिंग। तो आज आपने एमएमसी चेंजिंग का क्लास देखा है, तो आपको ये पहले दिन में ही बताओ एमएमसी चेंजिंग में आपको हार्ड लगा या इजी लगा ये क्लास? कितना इजी में हम काम कर सकते हैं एमएमसी चेंजिंग के अंदर? जो एमएमसी चेंजिंग का है ये हमारे को बता के 1 आवर भी नहीं हुआ, लेकिन हम अभी अपने खुद ही से कर सक रहे। मैंने आपको फर्स्ट एक एमएमसी चेंज करके बताया, उसके बाद आप खुद आपके हाथ से यहाँ पे आप खुद आके यहाँ पे एमएमसी चेंज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन लोग ऐसे सोचते हैं कि एमएमसी चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, हमें सीखने के लिए 1 महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है कम से कम उसको 10-15 फोन्स रिपेयर करने के बाद हमें पता चले। लेकिन ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे? मैंने आपको एक ही फोन के अंदर इजी ट्रिक से बताया, एमएमसी चेंजिंग करने के तरीके बताया, कौन सी फाइल हमें क्या क्या चाहिए, आपको ये इजी से समझ में आ गया, ठीक है। आप यहाँ खुद आके ये एमएमसी चेंज कर रहे हो, ठीक है। इसके पहले कभी ऐसा सोचे थे कि ऐसा हो सकता है हमें इजी लगेगा हार्ड? सॉफ्टवेयर का ही नॉलेज नहीं था, मतलब ये यूएफआई और इजी टेक और मेडुसा जो भी बॉक्सेस है ये हायर वर्जन के, लोग इनको लेकर ये कंफर्टेबल माइंड में सेटिंग है कि ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है इस पर हम वर्क कर ही नहीं सकते, हाँ। इसका यूज क्या है, लेकिन ये हम बता रहे हैं हमारे ये सिर्फ 3 दिन के अंदर मालूम हो गया कि पूरा सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग ये जब आप इसको टूल को देखते थे ऐसा लगता था कि कौन सा बड़ा इतना टूल है कि जो समझ नहीं पाते थे हम। ये देख के तो इतना सारे फंक्शंस, वो इतने सारे टैब्स होते हैं, इतना सारा चीज होता है, हम ये देख के परेशान हो जाते कि हम ये सीख सकते या नहीं सीख सकते। लेकिन हर एक टैब के बारे में यहाँ आपको एक डिटेल्स में बताया गया है, फाइल्स के बारे में डिटेल्स में बता दी आपको, सारा कुछ एकदम डिटेल्स में बताए, तो ये सारा इजी हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल सर, अभी हम जो ये सॉफ्टवेयर को अगर देखते हैं तो बता दे सकते हैं कि ये एरिया किस चीज का है और ये किस चीज का। आपको हर एक मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, हर एक सेक्शन मैंने इतना इजी समझाया, एक टेक्निकल लैंग्वेज के साथ साथ एक नॉर्मल लैंग्वेज भी बताया मैंने। हमारे को मतलब इवन ये भी मालूम हो गया कि इसके अंदर नंबर्स जो बताते हैं जिस तरीके से अब ये नंबर्स देख रहे हैं, इनकी कोडिंग पहचानने में आई हमारे को हमारे सर बताने पे। मतलब अभी हम जब नंबर पे हमारा फोकस होता है, मतलब एक नज़र पड़ती है, तब इवन हम एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर ले सकते हैं कि वो फाइल कौन सी है, हाँ, क्या एरर है। तो आप लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब फ्लैशिंग हो रहा है तो हमें हर एक फाइल को जज करना चाहिए, हर एक फाइल को ध्यान से देखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, फ्लैशिंग छोड़ देते हैं, वो जब डन हो जाएगा या इरर होगा पता नहीं उनको कौन से फाइल पे इरर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक भी हम ऐसा फाइल को छोड़ते नहीं है जो फ्लैशिंग में नहीं हो रहा है, हर एक फाइल को जज करना सीखा है हमने, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आपका फ्लैशिंग ये इंजीनियरिंग डन हो गया, यहाँ पे देखो बूट कॉन्फ़िगरेशन भी इसका 0-38 हो गया। अब इसको आइडेंटिफाई करके बताओ क्या क्या हमें इसमें मिलेगा देखने। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा एंड्रॉइड सिस्टम इन्फो है जो कि सॉफ्टवेयर वर्जन है पूरा आ गया, आ गया इसमें ऑक्सीजन, मतलब इसका जो MI का मैक्स 2 का जो पार्ट नेम है वो ऑक्सीजन है। इसके अंदर एंड्रॉइड वर्जन 7.1 है, उसके बाद MI इसमें अभी ये चाइनीज रोम डाला हुआ है इंजीनियरिंग, इसके अंदर MI वर्जन नहीं दिखाएगा। ये हमें डालने के बाद इसके बाद हमें कौन सा फाइल डालना है? इंजीनियरिंग फाइल डालना, इंजीनियरिंग तो डाल दिए, इसके बाद इसके बाद हमें फ्लैश फाइल डालना होगा, इसके बाद हमें सिक्योरिटी रिपेयर भी करना होगा। सबसे पहले इसके सिक्योरिटी रिपेयर करेंगे, इसके आगे का काम आगे करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले इसका एमएमसी निकालते हैं यहाँ से और बोर्ड में फिक्स करेंगे हम। चलो ठीक है बढ़ गया, हाँ सर। अभी बोर्ड में फिक्स करके बताओ ये सेट ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा है, ये तुम्हारा उल्टा लगा रहे हो बोर्ड, तुम लिया ना घुमा के, ये तुम्हारा ही है ये, उसका ओजीबी डाल के देख लिया सेम प्रॉब्लम। इसका डायग्राम है क्या?
थोड़ा सा साइलेंट सर को बाजू का चलो यहाँ पे ऑन करके बताओ ये ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा है देखो इनके लिए जोरदार क्लैप्स देखेंगे हमारा यह फोन सेकंड लोगों भी आ गया यहाँ पे इंजीनियरिंग मोड में ऑन हो रहा है फोन है ना जी हाँ सर इंजीनियरिंग मोड वाला रॉम डाले थे ना हम लोग हमारा ऐसा फोन ऑन तो होता नहीं है नॉर्मली ठीक है इंजीनियरिंग मोड जो है आप क्यों यूज करते हैं आपको पता है क्यों हमें इसमें डालना रहता है ठीक है देखो हमारा फोन यहाँ पे कम्प्लीटली ऑन हो गया इसके अंदर अभी सिक्योरिटी राइट करेंगे उसके बाद हम इसको नॉर्मल फाइल से फ्लैश करके ऑन करेंगे ठीक है चलो इसके आगे का सिक्योरिटी के लिए हम इसका वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे नहीं चलो तो हमने यहाँ पे सिक्योरिटी भी इसका रिपेयर कर दिया ना ठीक है चलो ठीक चलो ठीक है आ गया ना तो अब आगे का काम क्या करना बताओ इसका इसमें जो हम ग्लोबल फ्लैश करेंगे अब हम इसके नॉर्मल फ्लैश फाइल से ऑन करेंगे हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी राइट हो चुका है ठीक है अब नॉर्मल से हम UFI से करेंगे EZX से करेंगे या किससे करेंगे कौन से टूल से करेंगे हम UMT से फ्लैश करेंगे नॉर्मल से चलो ठीक है नॉर्मल से हो जाएगा फ्लैश तो UMT का कौन सा टूल ओपन करना बताओ अच्छा खोलो और ओपन होता टाइम देता हूँ चलो ओपन हो गया टूल चलो उसके बाद फाइल डालना है फ्लैश फाइल आपको डालना भी आ जाता ना ठीक है इसको हम सेलेक्ट करेंगे फाइल हमने कहाँ रखे डेस्कटॉप पे रखे वेरी गुड चलो देखो उसके बाद कौन सी फाइल लोड करना इंजीनियरिंग नहीं करना है दूसरा उसमें ऑक्सीजन नीचे होगा ठीक है ये आपकी फाइल लोड हो रही है चलो उसके बाद आपको क्या करना है स्टार्ट चलो अब ये फोन कौन से मोड में कनेक्ट होता है हमारा फोन EDL में तो ठीक है बैटरी वगैरह रिमूव कर लो चलो ओके वेरी गुड वेरी गुड हमारा यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया नॉर्मल फाइल से जो हमारा जो ग्लोबल वर्जन है ऑक्सीजन जो हमारा MI मैक्स 2 मॉडल है ग्लोबल इमेज वर्जन MIUI वर्जन 11 वाला है ठीक है हम इससे क्या कर रहे हैं इससे फ्लैश करके नॉर्मली सेट को ऑन करेंगे हम तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे ये कुछ 5 मिनट्स या 7 मिनट्स का टाइम लेगा फ्लैशिंग के लिए यहाँ पे देखो सारा के सारा एक एक करके सब कुछ फ्लैशिंग में स्टार्ट हो गया तो आपको ये फ्लैशिंग भी करना नहीं आता था पहले भी है ना तो आप फ्लैशिंग वगैरह सब करना देख लिए इसके एरर्स जितने भी एरर्स आते हैं सारे एरर्स पता हो गए अब आप यहाँ पे MMC चेंज तक करना सीख गए आपको कितना दिन हुआ यहाँ पे आके टोटल 7 डे हो गया सर 7 डे हो गया 7 डे में आप कितना कुछ सीखे यहाँ पे आने के बाद है ना फ्लैशिंग करना आ गया आपको टोटल जितने भी टाइप के CPU है MediaTek हो Qualcomm हो Samsung का भी आपको समझ में आया आपका Samsung का भी क्लास हुआ था कितना अच्छा सा है ना फाइल के बारे में कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताया गया यहाँ पे पूरा फिर बाद में MMC की क्लास में आप फर्स्ट डे से लेके अभी तक जितना भी काम किए तो ये आपको यहाँ पे कैसा लगा अच्छा लगा सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और फैकल्टी सबसे अच्छी है सपोर्ट करने में हेल्प करने में हर तरह से मतलब जो आपके एरर्स होते हैं माइंड में जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो यहाँ पर तकरीबन सॉल्व आपके डाउट्स भी होते हैं कुछ वो भी आपके क्लियर हो गए बहुत सारे मतलब जो हम यूट्यूब पे इंटरफेस देखते हैं और रियलिटी उसको फेस करते हैं वो टोटली डिफरेंट है क्या बात यूट्यूब में सिर्फ जो है उसको आपको सोल्यूशन बताता है लेकिन किस तरीके से किया जाता है वो लोग फास्ट फॉरवर्डिंग में बताते हैं इस वजह से हमारे फोन डेड हो जाते हैं इसलिए हम फॉलो ना करें यूट्यूब अच्छा यहाँ पे जो आपको सॉफ्टवेयर में MMC में काम करना सिखा है तो इसके अंदर कोई डेड रिस वगैरह अगर हमें देखा है तो ऐसा कोई डेड रिस है हमारे पास डेड हो जाए तो पहले तो यहाँ करने से डरते थे पहले फ्लैशिंग करने से डरते थे जब लगता था कि कोई फाइल गलत हो जाए तो डेड हो जाएगा लेकिन अभी हमें प्रॉपर तरीका काम आ गया है
चाहे वो एमएमसी से रिलेटेड हो या फिर सॉफ्टवेयर से हमारा प्रॉब्लम हो, तो हम बिंदास कर सकते ही नहीं कर सकते फ्लैश। कोई भी डेड रिस्क है हमारे? अभी ये फोन ये स्टार्ट करने से पहले हमने डेड भी कर इसको वापस ऑन किया। हाँ, इसको हमने लाइव यहाँ पे डेड भी किया था, फिर ऑन किया। मतलब अब हमको डेड भी हो जाए तो टेंशन नहीं है, रिस्क नहीं। पहले डेड होता तो हम आंसर कस्टमर को पे करके वो करके उसको जो है अपने ऊपर पूरा जो है लॉस उठा लेते और वो हैंडसेट को स्क्रैप कर देते थे। हाँ, यहाँ पे ये समझ में आ गया कि हैंडसेट डेड होने की वजह क्या होती है और कौन सी कंडीशन में इसको ऑन भी किया जा सकता है। तो आपका यहाँ पे सारा कुछ जो डर है वो सारा क्या हो गया, यहाँ से पूरा क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। आप बाकी सब लोग भी, आपका कोई डर है यहाँ पे फ्लैशिंग से लेके एमएमसी के अंदर? आप कभी डर सकते हो कोई काम करने में? नहीं सर। नहीं सर। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे फ्लैशिंग हो रहा है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी सिस्टम फाइल राइट हो रही है। चलो बड़े हो बाकी के, चलो यहाँ पे फ्लैशिंग यहाँ पे डन हो गया। चलो ठीक है, एक बार देख लो फोन में क्या कंडीशन है। एमआई लोगो आ गया, चलो बैटरी लगा दो। ठीक है, ऑन हो रहा है। चलो फर्स्ट लोगो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सेकेंड लोगो भी आपका यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब हमारा फोन अभी ये बूट कर रहा है ना। सेकेंड लोगो पे बंद हुआ है, इसका मतलब हमारा कुछ फाइल में मिसिंग रहता है ना। आपको ये तो पता चल गया। अब यहाँ पे देखो MIUI वर्जन यहाँ पे फ्लैश हो गया, एक बार इनके लिए क्लैप्स। मेरा ये फोन एमएमसी चेंज हो गया है ना। आप बाकी का प्रोसेस बताओ सारा कुछ करके आगे नेक्स्ट। भाई एमएमसी चेंज करना कितना इजी है? बहुत इजी है सर। हाँ बहुत इजी है सर। बताओ इधर क्या क्या कर रहे हो आप? ओके वेरी गुड, फोन पूरा कंप्लीटली ऑन हो चुका है। एक बार सेटिंग में जाके बेसमेंट वगैरह चेक कर लो सब है क्या। बेसमेंट वर्जन भी है, बेसमेंट बता रहा है ना। चलो एक बार सिक्योरिटी देख लो। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो अकरम आप बताओ यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। जो सोचकर आए थे वो मिला या नहीं मिला? बिल्कुल सर, जो सोचकर आए थे वो मिल गया, बहुत सारा उससे एडवांस नॉलेज मिला, उससे ज्यादा मिला, ज्यादा मिला। जितना सोचकर आप यहाँ आए थे उससे ज्यादा मिला या कम मिला? ज्यादा मिला। बताओ भाई सभी बाकी के भी। तो आप अभी यहाँ पे जैसा इतना दिन हुआ आपको अच्छा लगा, तो अभी आप सेटिस्फेक्शन है या नहीं है? सर हम सेटिस्फेक्शन है। आप सेटिस्फेक्शन है आपको? हाँ सकते हैं, जो चीज़ का मतलब डर था वो डर भी निकल गया और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो गई। अभी यूजर्स मालूम होंगे कि किस तरीके से हार्डवेयर में भी हैंड स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट हमारे सबिर सर करा और सॉफ्टवेयर में प्लस हार्डवेयर तौफीक सर भी जो है माशाल्लाह से अच्छी तरीके से वो करा दिए, बहुत सारा मतलब क्लियरेंस करा दिए हमारे जो डॉक्स है प्रॉब्लम्स है। अभी कोई भी चीज़ हम लोग ईजिली कर सकते हैं और आगे सपोर्ट भी है हमारे को फोन फिक्स टीम के सर्स की तरफ से। ठीक है, हमारे को हर क्या चाहिए। चलो ओके, में सिक्के के इंशाल्लाह आगे अच्छे टेक्नीशियन मिलेंगे। चलो ठीक है, ओके वेरी गुड, चलो।